हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग पूजा लाइफ स्टाइल। तो आ गई है संक्रांत और सबके घर में बनती है, तो मैंने भी बनाई है तिल के लड्डू। तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। तो देखिए, मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें ये मैंने तिल डाला है। ये अब हम सेक रहे हैं। ये हो गाइस, ये तिल सिक रही है और लगभग सिक चुकी है। तो ये सीख गई है, तो मैं इसे अब नीचे उतार दी हूँ, नहीं तो ये लग जाएगी। इसको धीरे धीरे ही सेके। और ये मैंने लिया है गुड़। तो अब मैं इसको टुकड़े में करने वाली हूँ। इसके लिए मैं एक पत्थर, मतलब जैसे लोड़ी बोलते हैं, उससे मैं ऐसे टुकड़े कर ली। मैं सारे गुड़ को मैंने ऐसे कर लिया है। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, ताकि मैं और वीडियो ला सकूं आप लोगों के लिए। और मैंने कढ़ाई में घी डाला है। घी में मैंने वो गुड़ जो है उसको डाल दिया है। तो इसको हम अभी थोड़ी देर पकाएंगे इस तरह से। गाइस, आप लोग मेरे वीडियो को देखा करें और लाइक और कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए गाइस, ये गुड़ जो है अच्छी तरह से गल चुका है और पक चुका है। तो ये मैंने अब उतार लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी तिल। बहुत ही इजी है। इस तरह से मिलाते रहे और इसको ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम में ही मिलाए, नहीं तो ठंडे होने के बाद यह नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने 1 किलो तिल लिया था और गुड़ आधी किलो ली थी मैंने। देखिएगा ऐसे अच्छी तरह से मिलाए इसे। तो ये मैंने मिला लिया है। अब हम इसमें हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के फिर इसे हम गोल करेंगे, नहीं तो ये चिपकेगी नहीं। सारे तिल को ऐसे ही करते रहना है हमें, अच्छे से गोल बनानी है। आप ज़रूर हमें बताएं कि आप कैसे बनाते हो, कमेंट में बताएं। हम तो इस तरह से बनाते हैं। देखो गाइस, कितनी अच्छी लड्डू बन गई है। हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।